कर सकेंगे इंशाल्लाह। यहां तक रेडी हम सारे? और बिल्कुल एक्टिव रहना है, सही है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 200, ये पहला आयजा है जो नाजिल हुआ है हमारे ऊपर। ये पहला ऑडिटर के ऊपर अगर कोई आयजा नाजिल हुआ, कौन सा हुआ आयजा? ये आपको ऑडिट करना नहीं सिखाता, ये आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि आपका ओवरऑल एज एन ऑडिटर, आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव या आपकी ओवरऑल जल्दी छदी छदी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये आपको सिर्फ ये सिखाता है। क्या सिखाता है? आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एज एन ऑडिटर, आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, और आपकी और वो जो जिम्मेदारियां हैं फिर उसके ऊपर स्टैंडर्ड्स पे स्टैंडर्ड्स आते रहते हैं। क्लियर है हम सारे? आइजा जब आपसे ये कहता है कि आपकी, आपका मतलब आप कौन? नहीं शिव, आप कौन? आप ऑडिटर्स हैं, तो आपकी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी की। मुझे इस ये अल्फाज सुन के इतनी तकलीफ हुई, मैंने कहा मेरी जिम्मेदारी क्यों? मुझसे पहले इस दुनिया में कौन आया? उससे पहले ऑडिटर से पहले जो वहां पे डायग्राम देख रही, ऑडिटर से पहले दुनिया में कौन आया? मैनेज। तो आप तो सबसे पहले मुझे बताएं, क्या बताएं? मैनेजमेंट की आप सबसे पहले मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताएं, किसकी? जल्दी छेदी छेदी, आप सबसे पहले मुझे जिम्मेदारी बताएं, किस चीज की जिम्मेदारी बताएं? मैनेजमेंट। क्या यहां तक बात समझ आती? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी। स्टैंडर्ड ने कहा मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है सुबह 9 बजे आना, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है 6 बजे चले जाना, नहीं है। वहां डायग्राम देख के बताएं मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या है? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विथ, प्रिपेयर। मैनेजमेंट की हजारों जिम्मेदारी है, लेकिन इस ऑडिट की दुनिया में अगर इसकी कोई जिम्मेदारी है तो प्रिपेयर एफएस इन अकॉर्डेंस विद। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? क्लियर है? पहली जिम्मेदारी टू प्रिपेयर एफएस इन अकॉर्डेंस विद। फिर शेयर होल्डर ने किसको अपॉइंट किया? ऑडिटर को। तो जब ऑडिटर ऑडिट करेगा तो उसको क्या चाहिए होंगे? सुनिएगा, उसको क्या चाहिए होंगे? उसको एविडेंसेस चाहिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये इन्वेंटरी कितने की है? मैनेजमेंट ने कितने पे रिकॉर्ड की हुई है? 120 के। होने कितने पे चाहिए? तो मेरे पास अगर इंफॉर्मेशन होगी तभी तो मैं ये असेस कर सकूंगा कि इन्वेंटरी 100 की होनी चाहिए या 120 की। ये रेवेन्यू कितने का है? 100 का। इसमें कितने ऐड करे थे इसने? क्या ये 50 के गुड्स डिलीवर्ड हो चुके हैं? यार बच्चों, अगर मैनेजमेंट से मैं कहूंगा कि मुझे आपने जो रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है इसका क्या दिखाओ? एग्रीमेंट दिखाओ। एग्रीमेंट से मुझे दिखाओ कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब सेटिस्फाई होती है। परफॉर्मेंस कब सेटिस्फाई होती है? जब गुड्स डिलीवर। तो मुझे इसके अगेंस्ट गुड्स डिलीवरी, जब तक मैनेजमेंट मुझे ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगी, क्या एज एन ऑडिटर मैं ये एविडेंस ले सकता हूँ कि ये जो रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ है ये IFRS 15 के हिसाब से रिकॉर्ड हुआ भी है या फिर नहीं हुआ? तो मैनेजमेंट की अगली जिम्मेदारी है टू प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन टू, तभी तो ये शेयर होल्डर ऑडिटर क्यों अपॉइंट कर रहा है? किसका, किसकी रिक्वायरमेंट है? कंपनी से। तभी तो कंपनी से अगर आपने पढ़ा हुआ हो तो उसके अंदर एक सेक्शन होता है पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। एक तो डायरेक्टर है और एक पावर एंड ड्यूटीज ऑफ, कि ऑडिटर के पास इख्तियार है कि वो हर इंफॉर्मेशन का एक्सेस कर सकता है, उस कंपनी की हर ब्रांच से इंफॉर्मेशन ले सकता है, डायरेक्टर सीईओ किसी से भी चाहे कोई भी इंक्वायरीज कर सकता है। यही कंपनी एक्ट ने ऑडिटर को राइट दिए हैं कि आपके पास ये सारे के सारे। देखे ना, मैनेजर मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे मैं मैनेजर के ऊपर केस नहीं कर सकता। आइजा मैनेजमेंट पे एप्लीकेबल नहीं है, आइजा किसके ऊपर एप्लीकेबल है? तो अगर मैंने उसके ऊपर केस करना है कि तुमने मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो वो कंपनी बनी किसके हिसाब से? कंपनीज एक्ट, और कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स का। यहां तक बात समझ आती है मेरे बच्चों? तो ऑल इंफॉर्मेशन टू द ऑडिटर। क्लियर हो गया हम सारे यहां? जब मुझे ये, इसका मतलब एज एन ऑडिटर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैं नहीं बनाता, जो मैनेजमेंट ने एफएस बनाए हुए
उसको चेक करता हूं कि क्या उसने सही बनाया या फिर अब थोड़ा बहुत समझ में आने लगा कि ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है, ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है। हाँ जी, ऑडिटर की जिम्मेदारी, जल्दी छेटी छेटी बच्चों जल्दी, ऑडिटर की जिम्मेदारी, ऑडिटर की जिम्मेदारी है, सुनिएगा मेरी बात को, ऑडिटर की जिम्मेदारी है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। ऑडिटर की जिम्मेदारी है मेरे प्यारे बच्चों टू ऑब्टेन रीजनेबल, सुनिएगा मेरी बात को, ऑडिटर की जिम्मेदारी है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। ये दो अलग अलग वर्ड है, एश्योरेंस का मतलब कॉन्फिडेंस देना है, किसको कॉन्फिडेंस देना है, शेयर होल्डर को। एश्योरेंस का मतलब टू प्रोवाइड कॉन्फिडेंस, कितना कॉन्फिडेंस चाहिए भाई, कितना रीजनेबल का मतलब है, जल्दी छेती छेती, हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस टू दी श्योरेंस। रीजनेबल के अलग मायने हैं, एश्योरेंस के अलग मायने हैं। एश्योरेंस का मतलब टू प्रोवाइड दी कॉन्फिडेंस, कितना कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करना है शोल्डर को, उसका एक वर्ड यूज हुआ है रीजनेबल, और रीजनेबल का मतलब है हाई लेवल। हाई लेवल का क्या मतलब है, अगर कॉन्फिडेंस को मैं मेजर करूं तो वो जीरो से 100 तक होगी, अगर मैं कॉन्फिडेंस को मेजर करूं तो जीरो से क्या 20% कॉन्फिडेंस, नहीं ये हाई लेवल नहीं लग रहा, क्या 40% कॉन्फिडेंस, ये हाई लेवल नहीं लग रहा, 90% कॉन्फिडेंस, यस सर ये एक हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, क्या 100%। यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है, ऑडिटर की जिम्मेदारी है टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस विच इज द हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट इट इज नॉट द एब्सोल्यूट एश्योरेंस एंड व्हाट इज एब्सोल्यूट एश्योरेंस, 100%। ऑडिटर ये कभी नहीं कह सकता कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट 100% सही है। ऑडिटर एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस ऑब्टेन करता है, मैं नेशनल बैंक का ऑडिट करता हूं, 1200 ब्रांचेस है, 5 trillion के उसके बैलेंस शीट फूटेंगे, आपको लगता है मैं 100% चेक कर सकता हूं, सुनिएगा मेरी बात, एज एन ऑडिटर मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं कर सकता। ऑडिट इज मैन टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस व्हिच इज द बट इट इज नॉट द एब्सोल्यूट एश्योरेंस, क्यों, because there are inherent limitations, सुनिएगा मेरी बात को, as an auditor आप 100% assurance obtain नहीं कर सकते, आप high level of assurance obtain कर सकते हो। मैं क्यों absolute assurance obtain नहीं कर सकता, मैं क्यों 100% assurance obtain नहीं कर सकता, क्यों नहीं, because there are inherent. And what are the inherent limitations, प्यारे बच्चों, स्टैंडर्ड कहता है इसमें आपकी गलती नहीं है, ये सुनिएगा मेरी बात को, इसमें आपकी गलती नहीं है, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ये किसके हिसाब से बनते हैं, IFRS के हिसाब से। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से बनते हैं तो IFRS में क्या इन्वॉल्व होते हैं, जब एस्टिमेट्स खुद 100% करेक्ट नहीं है तो आपके अश्योरेंस 100% कैसे हो सकती है, मेरी बात सुनिएगा, ये जो आपने हरकत करी थी, क्या 100 रुपए का एसेट था, कितने से डिवाइड किया था, 5 रुपए से, कितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था, 20 रुपए का, 5 रुपए क्या 5 साल क्या थे, ये यूजफुल, इसका क्या मतलब है, ये एसेट कितने साल चल जाएगा, क्या जरूरी है 5 साल चले, 6 साल भी चल सकता है, 4 साल भी चल सकता है और 3 साल भी चल सकता है, इट मीन्स अगर ये जो यूजफुल लाइफ है ये क्या कहलाते हैं, एस्टिमेट। जब ये जब FSA एस्टिमेट्स के बेसिस पे बनते हैं प्यारे बच्चों, एस्टिमेट्स के 100% करेक्ट होते हैं, जब FSA खुद 100% करेक्ट नहीं है, एज एन ऑडिटर आप 100% ओपिनियन कैसे दे सकते हैं, क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों, क्लियर है। तो पहले इनहेरेंट लिमिटेशन हमारे पास कौन सी है, एस्टिमेट्स, इसमें आपकी गलती नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या इन्वॉल्व होते हैं, ये जो हमारे पास इन्वेंट्री आ रही है कितने रुपए की आ रही है, 120 रुपए की आ रही है, कितने पे रिकॉर्ड होनी चाहिए थी,
और इसका फॉर्मूला क्या है, इन्वेंट्री शैल बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ एंड व्हाट इज एनआरवी, व्हाट इज एनआरवी, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। मेरे पास आज 120 रुपए की इन्वेंट्री पड़ी है, मैं ये एस्टिमेट कर रहा हूँ ये कितने की बिक जाएगी, 110 की बिक जाएगी, मैं ये एस्टिमेट कर रहा हूँ ये 100 की बिक जाएगी, मैं ये एस्टिमेट कर रहा हूँ ये 150 की बिकेगी, ये मेरे क्या चल रहा है सारे के सारे एस्टिमेट चल रहे। जब है ही एस्टिमेट इन्वेंट्री का जो नंबर आ रहा है, यहाँ जो नंबर आ रही है एस्टिमेट के बेसिस पे ड्राइव हुआ है। प्यारे बच्चों, हाउ इट इज पॉसिबल फॉर यू टू गिव 100% एश्योरेंस के 120 रुपए का बैलेंस बिल्कुल सही है, यहाँ तक बात समझ आती है। तो FS में क्या इन्वॉल्व हो रहा है, एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हो रहा है, और आप जितनी भी चीजें देख ले उसके अंदर एस्टिमेट्स। IFRS 15 पढ़ लिया है, ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करते हैं, अगर एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो उसके अंदर भी क्या इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, तो एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हो। जब FS ही एस्टिमेट्स के बेसिस पे बना हुआ है, एक कस्टमर है उससे मुझे 100 रुपए का रिसीवेबल है, मैं ये कहता हूं पता नहीं ये कस्टमर पैसे है देगा या नहीं देगा, और अगर नहीं देगा तो ये भी नहीं पता कितने देगा, तो मैं क्या कर रहा होता हूँ, मैं एस्टिमेट्स कर रहा होता हूँ। जब मैं एस्टिमेट करता हूँ प्यारे, मुझे लगता है 100 रुपए में से ये 80 रुपए तो दे देगा, तो मैं 20 रुपए की क्या रिकॉर्ड करता हूँ, क्या पता 100 पे 100 देगा, क्या पता 1 रुपया ना दे। PSM कंपनी ऑडिट कर रहे थे स्टील मिल से, उसका रिसीवर था स्टील मिल्स पाकिस्तान, स्टील मिल्स उससे रिसीवर था, उससे रिसीवर था, तो वही उनसे कितना 50,000 रुपए का मैनेजमेंट कह रही है 40 तो मिल जाएगा। अच्छा अच्छा करें 10 रुपये प्रोविजन करें हराम, उसके बाद 1 रुपये भी नहीं। वो एफएस गलत नहीं है, मैनेजमेंट का उस वक्त एक एस्टिमेट था, तो जब एस्टिमेट खुद 100% करेक्ट नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, आपकी ओपिनियन 100% करेक्ट नहीं हो सकती। तो एज एन ऑडिटर आपने हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देना है, इट मींस आपने रीजनेबल एश्योरेंस देनी है, आपने एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑब्टेन कर ही नहीं सकते। पहला मसला एस्टिमेट्स का, क्लियर हम सारे यहां तक, डन हो गया। दूसरा सबसे बड़ा मसला, ये तो आपको अपॉइंट ही इसलिए किया था मैनेजमेंट और शेयर होल्डर ने कि मैनेजमेंट डायरेक्टर क्या है, फ्रॉडिया है, वो फ्रॉड कर सकती हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उन्होंने अभी भी फ्रॉड किया हुआ, और फ्रॉड को डिटेक्ट करना ऑडिटर के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी बात सुनिएगा, ये क्या है, एक रेवेन्यू कितने का रिकॉर्ड हुआ है, 150 रुपए का, सुनिएगा मेरी बात बड़े गौर से, इसका मतलब है पूरे साल कुछ ट्रांजेक्शन हुई होगी, इसका टोटल कितना आ रहा होगा 150। क्या ये जो रेवेन्यू है 20 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 5 रुपए, ये मिला के कितने बनते हैं 50, वही 50 है जो यहाँ लिखा है, क्या ये 50 रुपए का रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए, जो जल्दी क्यों नहीं होना चाहिए, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्यों सेटिस्फाई नहीं हुई, मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया ही है, गलती नहीं हुई है, क्या किया है मैनेजमेंट, कहेगी ऑडिटर अगर तो ऑडिटर का ये सैंपल सेलेक्ट हो गया तो मैं फेक इनवॉइस, मैं खुद ही तो बनाती हूँ, सामने वाली थोड़ी बनाती है, तो मैं फेक इनवॉइस बना दूंगी, मैं फेक गुड्स डिलीवरी नोट बना दूंगी, तो मैनेजमेंट क्या कर रही है फ्रॉड, जब मैनेजमेंट फ्रॉड कर रही है तो ऑडिटर का डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्या यहां तक बात समझ आती है। दूसरी इनहेरेंट लिमिटेशन क्या है प्यारे बच्चों, फ्रॉड, क्योंकि फ्रॉड जब मैनेजमेंट करती है तो प्रॉपरली प्लान्ड वे में करती है, एक केस स्टडी में हम चल आगे जाके पढ़ेंगे, सत्यम की, सत्यम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैंक बैलेंसेस आते हैं कितने, $1 billion, खुदा का वास्ते सुन ले, कितना $1 billion, किसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, सत्यम, कौन सी कंपनी है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी जिसका बैंक बैलेंस कितना आ रहा है $1 billion, कौन ऑडिटर, PwC, कौन ऑडिटर, PwC कंपनी लिस्टेड कंपनी, बाद में पता चला ये $1 billion नहीं है,
$1 million है सर, $1 million आज के रेट के, अगर पाकिस्तान के रेट के हिसाब से करूं, 250 अरब रुपए का फ्रॉड था। मैनेजमेंट ने ये क्लेम करा कि 250 अरब रुपए बैंक में पड़े हुए हैं, 250 रुपए भी नहीं थे। पीडब्ल्यूसी ने क्या कहा, 250 अरब रुपए का बैलेंस बिल्कुल सही। मैनेजमेंट ने क्या करा था, मैनेजमेंट ने एक इस पूरी ट्रांजैक्शन में फ्रॉड किया था। फ्रॉड को डिटेक्ट करना ऑडिटर के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया। कैसे हो गया, तो इंशाल्लाह आगे जाके हम पढ़ेंगे। जब हम आयजा 505 एक्सटर्नल, जब मैनेजमेंट फ्रॉड करती है तो फ्रॉड को डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्या याद है, बात समझ आती है। तीसरी चीज, मैनेजमेंट ही शायद आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे। सुनिएगा, एक केस चल रहा है, पिछले सालों से चलता आ रहा है, मैनेजमेंट ने उसको कहां डिस्क्लोज किया हुआ है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में पड़ा हुआ है इतना थोड़ा बहुत। मैनेजमेंट ने उसको कहां डिस्क्लोज किया हुआ है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में। क्यों? बिकॉज मुझे नहीं पता मैं केस जीतूंगा या हारूंगा, और अगर हार भी गया तो मुझे नहीं पता मुझे कितने पैसे पे करने पड़ जाएंगे। आज हाजिरी थी सिंध हाई कोर्ट में, कंपनी केस, और सिंध हाई कोर्ट के जज ने कहा आपको 50 मिलियन पे करने पड़ेंगे। मैनेजमेंट ने मुझे ये इंफॉर्मेशन नहीं बताया। क्यों नहीं पता, इसको पता है, जैसे बताऊंगा ये कहेगा अब ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी नहीं है, अब तो ये प्रोविजन है। और आपको क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एक प्रोविजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। 1200 ब्रांचेस है यूनिलीवर की, 1200 वेयर हाउस है। एक वेयर हाउस जो कि कटीपाड़ी में, वहां पे आग लग जाती है, सारी इन्वेंटरी जल जाती है, क्या मुझे पता चल सकता है ये? कौन बताएगा? मैनेजमेंट जानबूझ के मुझे ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे। तो प्यारे बच्चों, जब आपके पास इंफॉर्मेशन 100% नहीं है, जल्दी जल्दी जल्दी, तो ओपिनियन 100% कैसे हो सकती है जब आपके पास इंफॉर्मेशन 100% नहीं है। तो इस चीज की गारंटी के साथ मैं आपसे कह सकता हूं कि आप जितना ऑडिट कर ले, 100% इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद 4 महीने बाद क्या होनी चाहिए, एजीएम, सही है ना, कुछ एजीएम होनी चाहिए। 4 महीने पहले एजीएम होनी, 120 दिन बाद एजीएम होनी चाहिए। 21 दिन पहले उस नोटिस के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड, इट मींस अगर दिसंबर का ईयर एंड है तो मैक्स मेरे पास जो टाइम है वो 30 अप्रैल का है, कि 30 अप्रैल तक तो एजीएम करनी करनी है। उस एजीएम का नोटिस 21 दिन पहले जाना है, मतलब 9 अप्रैल को नोटिस जाने, उस शेयर जो नोटिस जाएंगे उसके अंदर एक चीज लगी हुई होगी, क्या? ऑडिटेड, मतलब मुझे उससे पहले एफएस का, मतलब मेरे पास टाइम ही कितना बचा है, 3 महीने में ऑडिट करना है। प्यार इस बात सुनिएगा, मुझे 3 महीने में ऑडिट करना है, मेरे पास टाइम कम है। और मेरी बात सुनिएगा, ये इतनी सारी ट्रांजेक्शन है, सुनिएगा, इतनी सारी ट्रांजेक्शन है, क्या मैं सारी की सारी चेक करूंगा? मैं क्या करूंगा, सैंपलिंग करूंगा। जब मैं ऑडिट सैंपलिंग बेसिस पे कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, सैंपलिंग का मतलब मैं 100% टेस्ट नहीं कर रहा, मैं लेस देन 100% को टेस्ट कर। सुनिएगा मेरी बात को, एग्जांपल क्लियर है ये वाली। मैंने सैंपलिंग करी, मेरा ये वाला सैंपल सेलेक्ट हुआ, मेरा ये वाला सैंपल सेलेक्ट हुआ, मेरा ये वाला सैंपल सेलेक्ट हुआ, ये 3 सैंपल सेलेक्ट हुए, क्या ये तीनों सैंपल सही है? ये सही है, तो मैं क्या कहूंगा कि बकिया भी सही होंगे। क्या बकिया सही है प्यारे बच्चों? बकिया सही नहीं है। अगर मेरा सैंपल ये आ जाता तो मुझे एक गलती आइडेंटिफाई, जब मेरा ऑडिट सैंपलिंग बेसिस पे हो रहा है, जब मैं ट्रांजैक्शन को 100% टेस्ट नहीं कर रहा, तो मैं ओपिनियन 100% कैसे दे सकता हूं? देयरफॉर ऑडिटर की जिम्मेदारी है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, व्हिच इज द हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, बट इट इज नॉट द, बिकॉज देयर आर Estimates, fraud, management may not provide all information. और चौथी चीज, sampling, आपके पास time और cost कम होती है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? इसको गौर से देखिएगा, कुछ सवाल हम SSGC का जब audit करते हैं, सिंध और प्रोविंस को सूबे को गैस प्रोवाइड करता है। 30 लाख कस्टमर है दोनों सूबों में जो गैस लेते हैं, सही है? पूरे साल में कितनी invoices? 3 करोड़ 60 लाख, 30 लाख को मल्टीप्लाई करें 12 से, हर महीने गैस का बिल आता है ना, कितने हो गए? 3 करोड़। 3 करोड़ 60 लाख का मतलब ये है प्यारे बच्चों, 36 मिलियन। आप
लगता है मैं 36 मिलियन इनवॉइसेस देख सकता हूँ? नहीं, जब मैं 36 मिलियन इनवॉइस, अच्छा तो मैं सिर्फ दो देख लू? नहीं, दो भी नहीं, क्यों? मेरी तो जिम्मेदारी है रीजनेबल एश्योरेंस ऑपरेट करने की। अगर 200 अरब रुपए का रेवेन्यू है तो रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब ये 150 अरब तो वेरीफाई करे, 125 अरब तो वेरीफाई करे, 1 अरब वेरीफाई करो 200 अरब में से, नहीं तो इसका मतलब मैंने रीजनेबल एश्योरेंस ऑपरेट नहीं करी। ये एक आगे टॉपिक है हमारा पूरा कि कितने सैंपल्स हमने सेलेक्ट करने, अगर 100 ट्रांजैक्शन तो कितने सैंपल्स हमने सेलेक्ट करने। बट एक कॉन्सेप्ट समझ आता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि 200 अरब रुपए का रेवेन्यू है और मैंने सिर्फ 2 अरब वेरीफाई किया और मैं क्या हूं? These FS are prepared in accordance with. अब मैं ये नहीं कह सकता, क्यों नहीं कह सकता? मेरी जिम्मेदारी है to obtain which is the high level of assurance. तो अगर 200 अरब का रेवेन्यू है तो 150 अरब, पौने 200 अरब तो आपको वेरीफाई करने पड़ेंगे। हाँ, मैं पौने 200 अरब भी वेरीफाई कर लूं, मैं 100% ओपिनियन नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? बिकॉज मैं जो ऑडिट करता हूँ वो किस बेसिस पे करता हूँ? सैंपलिंग के पे। मैं नेशनल बैंक का ऑडिट कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। फॉर्मूला भी लगा है कि अगर उसके पास 50 लाख कस्टमर भी है तो हर कस्टमर हर दिन में पता नहीं कितनी ट्रांजेक्शन करता होगा, तो पूरे साल 365 दिन में कितनी ट्रांजेक्शन होती होंगे, डेबिट होता होगा, क्रेडिट होता होगा, बैंक चार्जेस होंगे, इंटरेस्ट होंगे, एटीएम, ट्रिलियंस ऑफ, क्या मैं ट्रिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर सकता हूँ? तो मैं 100% वेरीफाई नहीं कर पाता, तो मैं 100% ओपिनियन दे दे सकता हूँ। मैंने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने किस चीज के ऊपर है? वहां देख के बताए जल्दी। मैंने रीजनेबल एश्योरेंस इस चीज के ऊपर ऑब्टेन करनी है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिसाब से बने भी है या फिर नहीं बने। मैंने इस चीज के ऊपर रीजनेबल एश्योरेंस करनी है। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? इस डायग्राम को थोड़ा सा गौर से देखें। आप जो कुछ पढ़ा सारा का सारा कहाँ लिखा हुआ है? इसी डायग्राम में। इस दुनिया में सबसे पहले कौन आया? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या है? जल्दी छेदी छेदी। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद एंड टू प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन टू द ऑडिटर। की जिम्मेदारी क्या है? टू ऑब्टेन क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आए फॉर, तभी तो रेवेन्यू में जाके क्या मांगेगा? गुड्स डिलीवरी नोट मांगेगा। क्यों? IFRS 15 कहता है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, समझेगा मेरी बात को, एविडेंस ऑब्टेन करेगा। तो ऑडिटर की जिम्मेदारी है टू ऑब्टेन कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट इज रीजनेबल एश्योरेंस, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट द, बिकॉज देयर आर, पहली इनहेरेंट लिमिटेशन IFRS में क्या इन्वॉल्व होते हैं? एस्टिमेट्स। दूसरी इनहेरेंट लिमिटेशन, मैनेजमेंट शायद आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड। तीसरी इनहेरेंट में मैनेजमेंट शायद एफएस में क्या कर रही हो? फ्रॉड कर रही हो। चौथी चीज प्यारे बच्चों, आप कभी भी 100% एविडेंस ऑब्टेन, ये जो आपने रिपोर्ट देनी है ये कब देनी है? 3 महीने, 4th महीने तो एजीएम है, तो 3 महीने पहले आप, आपके पास टाइम इतना कम है। एज एन ऑडिटर आप ऑडिट सैंपलिंग बेसिस पे कर रहे होते हो और सैंपलिंग का मतलब ही है कि आप 100% आइटम्स को टेस्ट नहीं कर रहे, तो 100% आइटम्स टेस्ट नहीं कर रहे तो 100% ओपिनियन कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? डर हो गया प्यारे बच्चों? यहाँ तक किसी का कोई भी सवाल हो मुझसे पूछ सकता है, कोई भी सवाल हो मुझसे पूछ सकता है। इन्वेंटरी कितने की आ रही है? कौन से साल? 30 जून 2022। बैलेंस शीट एज है। इन्वेंटरी कितने की? जल्दी छेदी छेदी। 120 रुपए की, सही है। मैनेजमेंट ने इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करी? नहीं करी। तो मैनेजमेंट ने इन्वेंटरी को कितने पे रिकॉर्ड किया? 120 पे। आपको अपॉइंट किया गया है और एज, और मैनेजमेंट का एस्टिमेट क्या है? जल्दी, जीरो का मतलब क्या? इन्वेंट्री 120 से कम की बिकेगी? नहीं नहीं, इन्वेंट्री 120 से, या तो 120 की बिकेगी या 120 से। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? मेरी बात सुनिए, इसको अपॉइंट किया शेयर होल्डर ने। ऑडिटर कहेगा ये इन्वेंट्री 120 की है, आपका क्या एस्टिमेट है? मैनेजमेंट से पूछो, मैनेजमेंट का एस्टिमेट है ये इन्वेंट्री 120 से
क्या एविडेंस कि इन्वेंट्री 30 जून को 120 रुपए की पड़ी हुई है ना, ये जुलाई में तो बिकी होगी, ये अगस्त में तो बिकी होगी, ये सितंबर में तो बिकी होगी। मुझे जुलाई अगस्त सितंबर में ये बता दो कि इन्वेंट्री आपकी आपकी कितने की बिकी है। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है टू प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन टू द ऑडिटर। मैंने मैनेजमेंट से कहा 30 जून है सही है, मुझे जुलाई 2022 है अगस्त सितंबर मुझे बताइए सब्सिक्वेंटली इन्वेंट्री कितने। आपने सब्सिक्वेंटली देखा, आपने कहा इन्वेंट्री कितने की बिकी है, मैनेजमेंट को आप पकड़ोगे आपका एस्टिमेट गलत है, ये तो इन्वेंट्री सब्सिक्वेंटली, और तभी तो ये आईएस 10 के हिसाब से एडजस्टिंग इवेंट है। आपने इन्वेंट्री को एडजस्ट करना पड़ेगा, 100 रुपए से कम करके कितने पे लेके आना पड़ेगा, 90 रुपए पे लेके आना पड़ेगा। यहाँ तक बात समझ आती है, तो एज एन ऑडिटर आप एविडेंसेस ऑब्टेन करते हो इन चीजों के ऊपर। क्लियर हो गया? अगर आपके पास एविडेंस ये है कि 90 की बिकी है, तो इट मीन्स मैं सोचे कि मैं तो इंपेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं करी। आप कहोगे कि भाई इंपेयरमेंट रिकॉर्ड होनी चाहिए। डिसएग्रीमेंट आ गया, मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 100 रुपए में रिकॉर्ड करी, होने कितने पे चाहिए थी, 90 रुपए पे। इंपेयरमेंट के बाद होने कितने पे चाहिए थी, आप शेयर होल्डर को बता देंगे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से नहीं बने, बिकॉज एक 10 रुपए की इंपेयरमेंट है जिसको मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड नहीं किया। रिपोर्ट ओपिनियन आखिरी चीज, तो मैंने एवर देयर इज अ डिसएग्रीमेंट। अब आज की क्लास में डिसएग्रीमेंट का वर्ड यूज कर रहे हैं। डिसएग्रीमेंट का वर्ड आज से 15 साल पहले एग्जिस्ट करता था स्टैंडर्ड्स में, आज डिसएग्रीमेंट का वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। आज की तारीख में जो वर्ड एग्जिस्ट करता है वो मिस स्टेटमेंट का करता है। क्या होगा तीसरी क्लास का टॉपिक है। इंटरनल ऑडिटर कभी भी उतना इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता जितना एक्सटर्नल ऑडिटर होता है। इंटरनल ऑडिटर उन्हीं से तो सैलरी ले रहा है, उन्हीं लोगों से तो सैलरी ले रहा है। हैज कॉल में होगा तो इंटरनल ऑडिटर को नहीं पता होगा, लाजमी पता होगा, लेकिन क्या सैलरी इन लोगों से ले रहा है। रिक्वायरमेंट्स होती है, इंटरनल ऑडिटर को भी अपॉइंट करते हैं। तो देखिए आप तरीके कार समझे कि इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट हमेशा ऑडिट कमेटी को करेगा, कभी भी सीएफओ को नहीं करेगा। सीएफओ बैठकर फ्रॉड कर रहा है और उसी को बोलेगा कि भाई तूने फ्रॉड किया है, तो उसका बोनस, उसकी सैलरी सीएफओ मैनेजमेंट डिसाइड नहीं करती। कौन डिसाइड करता है? डायरेक्टर्स ऑडिट कमेटीज डिसाइड कर रही होती है। हाँ जी, क्लियर है बच्चों? हैंड आउट मेरा कार्ड। चले जी, पहले पेज पे आ जाए जो आज की क्लास में पढ़ा, फौरन से हैंडआउट हम क्या करेंगे। ISO 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ISO, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल। Before we discuss auditor's responsibility, it is necessary to understand management responsibility. आगे लिखिए आपकी आपकी याददाश्त के लिए, recall the 5 elements of assurance, engagement या audit के elements. Management की जिम्मेदारी पहली to prepare in accordance with IFRS to provide all the information. Provide the auditor with all information. क्लियर है प्यारे बच्चों? यहाँ तक दो जिम्मेदारी है मैनेजमेंट की। Now let's discuss the overall objective responsibility of an auditor. Auditor is responsible to obtain reasonable assurance and to express an opinion whether FS are prepared. वही वाली बात, 100 रुपए 90 रुपए भाई FS IFRS के हिसाब से नहीं बने। Now question arises, what is the reasonable assurance? Let's discuss this word separately. Reasonable is the but not the. And what does assurance mean? Assurance is to enhance the degree of the confidence of the intended. And what, who are the user of the FS? इसके यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? Next page पे Why auditor? अब अगला सवाल,
पहला सवाल जिम्मेदारी क्या है, तो जवाब आया रीजनेबल अश्योरेंस। तो फिर अगला सवाल रीजनेबल अश्योरेंस क्या है, तो जवाब आया हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस। फिर अगला सवाल हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस क्या है, तो जवाब आया नॉट दी एब्सोल्यूट अश्योरेंस। तो फिर अगला सवाल आया व्हाई नॉट दी एब्सोल्यूट अश्योरेंस, बिकॉज जवाब आया देयर आर। फिर अगला सवाल आया कि इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या है, तो यहां पे कुछ जवाब है द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैन नॉट ऑब्टेन, आपसे तवक्को भी नहीं रखी जा सकती और ना ही आपके अंदर ये काबिलियत है कि आप 100% अश्योरेंस, बिकॉज देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट। व्हाट आर द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट, पहला मसला फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग FR1 FR2 क्या मतलब एस्टिमेट्स का है, दूसरा मसला मेरे ऑडिट प्रोसीजर्स का है, तीसरा मसला है ऑडिट टू बी कंडक्टेड विद अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, द प्रिपरेशन ऑफ द FS इन्वॉल्व जजमेंट बाय द मैनेजमेंट इन अप्लाइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS, फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग। और यहाँ जो आपने समझा रहे हैं FS जो प्रिपेयर होते हैं IFRS के हिसाब से होते हैं, IFRS के अंदर क्या इन्वॉल्व है, अकाउंटिंग। यहाँ पे आंसर खत्म नहीं हुआ है, आपके पास चार लाइनें लिखने की और है। फॉर एग्जाम्पल दीदी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मुझे डेप्रिसिएशन, यूजफुल लाइफ, डेप्रिसिएशन मेथड, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, तो यहाँ तक बात समझ आती है। प्रोविजंस, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, आप लाइन से बेताशा से लिख सकते हैं। डर हो गया बच्चों, possibility that the management may not provide either intentionally or complete information, teesri cheez fraud may involve sophisticated and carefully organized scheme designed to conceal it, therefore audit procedures may be ineffective to detect the intentional misstatement, example falsifying document, फेक GDN बना दी, फेक इनवॉइस बना दी। आप तो यकीन कर लो कि GDN है, बुक्स डिलीवर्ड हो गए, रेवेन्यू सही रिकॉर्ड होगा, लेकिन एक्चुअल में नहीं हुआ। और फ्रॉड के ऊपर पूरा आगे जाके बच्चे के स्टैंडर्ड के अंदर 6-7 क्लासेस हैं। डन हो गया। आखिरी चीज, देयर इज एन एक्सपेक्टेशन बाय द यूजर ऑफ द FS दैट द ऑडिटर विल फॉर्म एन ओपिनियन विद इन अ रीजनेबल टाइम एंड कॉस्ट, देयरफॉर ऑडिटर परफॉर्म ऑडिट बेस्ड ऑन, आपको ऑडिटर अपॉइंट किया है, आप 10 साल बाद रिपोर्ट दोगे तो शोल्डर ही मर चुका है। अब आप उसको बता रहे हो कंपनी में तो लॉसेस है, तो कंपनी में फ्रॉड है, अब उसके लिए फायदा, तो आपने रीजनेबल टाइम और कॉस्ट में उसको उसको ओपिनियन देनी होती है। और आपका ऑडिट जो होता है वो किस बेसिस पे होता है, तो सैंपलिंग खुद 100% नहीं है प्यारे बच्चों, तो आपकी ओपिनियन भी 100%। क्या ये दो पे समझ आते